चुके हैं। পূজ্য মাতা আর বন্ধু, অনাদিকাল সে দো রাস্তে পরমাত্মা কি প্রাপ্তি কে চলে আ রহে হ্যাঁ। এক নীতি কা রাস্তা হে জিসে হম সন্ন্যাস মার্গ কহতে হ্যাঁ, আর এ রাস্তা বহুত পুরানা হ্যায়। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है, नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीबी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है।
संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है और फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम समाप्त। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे ये कह देने से कि ये रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूदना पड़े, इस रास्ते में ही बहुत कठिनाइयां हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हो आया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे, रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर रुकी, उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था, तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, इत्फाक से गले में हार डाले गए, स्वागत किया गया इत्फाक से। परमात्मा की कृपा से जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें गुरुदेव जी बैठे हुए थे और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी कुछ आगे निकल गई, चली और आगे निकल गई, तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। और इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया, वह ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं, जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और बच्चे थे, बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज वे एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रश्न कुछ अजीब है, इसलिए पहले से आपसे क्षमा चाहूंगा और आप मुझे सांत्वना दें, आशीर्वाद दें। कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तो मैं प्रश्न करूं, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। कोई फिर देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज न हो तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। बोलो, बोले कि पूछो, मैं नाराज नहीं हूंगा। तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आपने आंखें खोली और कहा कि बच्चा सत्य तो यही है कि आज भी हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, तो ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान, और अब बच्चे बड़े हो गए, काम का संभाल लिया।
सेवक ने उनके गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है और सन्यास के अपने यम नियम हैं, ना उसको कोई बीवी, ना उसको कोई बच्चा, ना उसको कोई खेत, ना उसको कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए जिसे शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते, कहते ऐसी बात नहीं, ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, इसी से सच्चा को सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी है पर नहीं हो पाता, तो मजबूर होके चले जाते हैं, प्रश्न करते कि महाराज बनता तो नहीं। कोशिश तो करते हैं लेकिन ध्यान तो होता नहीं, तो अक्सर ये सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू शुरू से ये भावना हृदय में हो जाती है कि हम सर्व साधारण मनुष्य से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है और जहां अहंकार है वह परमात्मा नहीं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी ना किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर सन्यास ले बैठते हैं, स्वेच्छा से नहीं, दुखी होकर सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है, सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम, बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं। जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। क्या हुआ, इस अभ्यास में दबाव रहता है और इस दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। और जब ये संसार में आते और संसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है कि भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे, बाहर चले गए, ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनने में आती है। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, उनके ये मित्र भी बन जाते हैं। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का बिरला होता है और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है और दबाव के कारण बहुत सी अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। यदि आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे है दबा है, हाथ से छूटा कई बार भी मार कर सकता है। मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए और तो
इस अभ्यास में तो इस चीज को सबको सोच समझकर सन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उनको तो सन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे संसार छोड़कर चले गए और जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं, न उनकी दुनिया रहती है रदीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, न इधर का रहा न उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका संस्कार जन्म से ही इतना ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है, उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। अब हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, बहुतों की ये धारणा है और ज्यादातर लोगों की ये भावना है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें और 58 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तब भगवान का नाम लेंगे। बहुत बड़ी भूल है, 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती है कि बदल नहीं सकेंगे, शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे, ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है, और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, अभी तो गृहस्थ जीवन अपनाइए, बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है जिसे हमने बुला लिया, बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा, राजा जनक को विदेह कहते थे, कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि राजा जनक कह दे ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वे राजा था, राज का कितना कारभार ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी, उन सब जिम्मेदारी को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा, इसे कहते हैं इतिमर। ये रास्ता, इसमें अपने जीवन में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, कोई चीज घटाते नहीं, नीति नहीं करते। एक चीज अपनी जिंदगी बढ़ाते हैं, वह क्या है, वह परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं, लाइट आई कि अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। तो इतने बड़े महर्षि, और जब उनके जीवन में
परिवर्तन आते ही तो उल्टा नाम जपते जपते भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जो हमारी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाई है, इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए, उनकी जिंदगी बड़ी कठोर थी और बड़ी कठिनाइयों से रहते हुए इस विद्या को उन्होंने न केवल प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुण छोड़ गए, अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से हम क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, सन्यास से, ग्रस्त से। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला क्या है, निरंतर परमात्मा की याद बनी रहती है, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि उसको जो कर्म है वह निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रेत कहिए या जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए 24 घंटे परमात्मा का ध्यान कैसे बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे में निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सदगुरुओं ने जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर हम इन गुरुओं को अपनाएं तो हमारा रास्ता आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुरु छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उस बच्चे को अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाता है। इस तरह हमारे सिलसिले की जो संत महात्मा हुए, ये गुण छोड़ गए कि हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे आसानी से निष्काम कर्मता प्राप्त हो। मैं उन गुरुओं को आपके सामने रखूंगा। अगर आपको अच्छे लगते अपने जीवन में इन्हें ढालें, अपनाएं, अगर अपनाएंगे तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। इन सब महात्माओं ने, सद्गुरु ने सारे साधन को तीन भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से तीन भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से
24 के 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहेगी और सच्चे निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बार संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है, ये उसके सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योगियां भोनिया योनिया भोग योनिया है, बड़ी दया कृपा करके हमें ईश्वर ने मौका दिया और हमें इसका इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन नाम मोक्ष कर द्वारा पैन जही पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रतिशील हो तो परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसी योनि है इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं, तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया है, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने धर्म हुए, जितने संत महात्मा हुए, सबने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर तज विशारस चौच, बार बार नहीं पाई है माने जन्म की मौत। इस सेवा के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगार, माने जन्म गरीब ने फिर कर ले सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर परमात्मा ने हमें दिया है। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे हम गृहस्थी हो चाहे सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः कंध्या संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायकाल, ये 2 समय निश्चित कर दिए। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा भी करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं, लेकिन यदि उनसे पूछे कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते थे, हम करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं, अच्छा है, गॉड फियरिंग है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते? अगर अब ये पूछे कि इसका कोई आंतरिक लाभ हुआ तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका उन्होंने बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई और मैं वह तरीका आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं है।
इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, इनमें आपस में वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। दरअसल रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए वो जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें, कुशाय कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, जो रात्रि के वस्त्र हैं उन्हें बदल कर बैठे। अगर किसी वजह से स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उसके बाद कल्पना करें कि आपका इस शरीर आपके सामने विद्यमान है। उसके बाद कल्पना करें कि आपका इष्ट आपके सामने विद्यमान है, उसके बाद कोई भक्ति भरा भजन गाइए, तो क्या होगा, आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए, बाहर देखिए अपने इष्ट को, और जब बाहर ध्यान बन जाए अच्छा, उस पवित्र मूरत को हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाए, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जिन सतमान परमात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए, कि यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे उपाय है जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे सुंदर अच्छा लगता हो और सहज भाव से निकलता हो।
प्यारा लगता हो, कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे, हिंदू भाई ओम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन में क्राइस्ट या गॉड, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे चुनिए, जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौथी लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमय अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो हार्ट बीट में से ओम नाम निकल रहा है या जो नाम चुना है वह निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही, हृदय की हर धड़कन के साथ ओम 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 मानसिक जाप कर सकते हैं जब तक ये आवाज सुनाई ना दे। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता है ना विचार, ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं वही नाम सुनते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने तरीका पूजा का बताया, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था में प्राप्त होगी। और धीरे धीरे आत्मा और उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का सामान लिया जाए, पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप हर मनुष्य भोजन करता है, और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का कोई काम नहीं कर रहे होते, इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड हाई फूड ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर हम भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं, इस बात में कोई अर्ज नहीं, पर नुकसान क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप है वो हम खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं तो इस तरीके में बदलानी नहीं पड़ेगी, लानी होगी तब्दीली। अब परिवर्तन क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए आप उस भोजन को अपने इष्ट के अर्पण कर दीजिए, उनको याद कीजिए, और हर ग्रास हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के न खाएं न पिएं। यह अभ्यास भोजन की एक जबरदस्त विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंग हुआ बनेगा। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे
तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद ऑटोमेटिक आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से चार बीज में विशेष बात बतलाई, पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग्य। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने बड़ा आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है करने के लिए। परमात्मा ने मनुष्य योनि को सबसे ज्यादा समय दिया 100 साल का, बाकी कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसे इतना लंबा परमात्मा ने टाइम दिया हो। ये मनुष्य योनि इसलिए दी है इतना टाइम कि काम करते करते मेरे को याद कीजिए और मेरे में समर्पित होके, और जितनी भी आपके साथ योनियां हैं उनकी सेवा कीजिए। ये है पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। इन संतों ने इतना आसान तरीका बताया, यदि इस तरीके से भोजन करेंगे जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंग हुआ बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे स्वतः ईश्वर की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, और जब खाली होंगे चूंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा में भी, आप जो है परमात्मा की याद करते हैं, तो क्या हुआ, ये आधा घंटा दोपहर भोजन का जितना समय आपने खाने में लगाया, उतना जितना समय आपने पूजा में लगाया, अगर आधे घंटे का समय आपने पूजा में लगाया तो भोजन में भी उतना ही समय लगाइए। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पे कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता, और स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सब सुंदर तरीका संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए, कोई फीका खाता है तो कोई मीठा छोड़ता है तो कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं, कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, स्वतः ही स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन और आधा घंटा रात्रि भोजन, 2 घंटे परमात्मा की याद, 22 घंटे दुनिया का काम। अब क्या है, ये देखा गया कि आपके पास और कोई समय ऐसा है जो खाली है जिसमें अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की याद अपना बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है अब तक अपना नहीं है। जैसे जैसे आप अपने इष्ट की आराधना करते चले जाएंगे वैसे वैसे समय आपका अपना होता चला जाएगा। अपने लिए कर रहे हैं, अपनी साधना, अपनी पूजा, अपना व्यवहार, अपना कर्म अपने आप कर रहे हैं।
कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं, 6 घंटे सब सोते हैं। बताया कि सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं, 20 मिनट विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बड़ा सुंदर बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, अपनी चारपाई पे बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, और बैठकर दो काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछिए कि अगर आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे किसी दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहां शक्ति है कि ऐसा कोई काम बने? आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए। अब मेंटेन डायरी, जैसे संसारिक कामों के लिए आप डायरी मेंटेन करते हैं, पल पल की चीजें उसमें लिखते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए भी डायरी मेंटेन करिए। डायरी का ऊपर वाला पोर्शन जिस पर डेट लिखी होती है उसको यूटिलाइज करें। बड़े आराम से आपको दूसरी डायरी बनाने की जरूरत नहीं। अगर सुबह आधा घंटा आपकी पूजा हुई, लिखे आधा घंटा, आधा घंटा शाम को आपने पूजा की तो लिखिए आधा घंटा, भोजन परमात्मा की याद में आपने किया तो लिखिए आधा घंटा, और भोजन रात्रि को भी आपने परमात्मा की याद में किया लिखिए आधा घंटा। और अगर परमात्मा की याद में सोए, सुबह उठे तो उन्हीं की याद रही, फिर लिखिए 6 घंटे, 24/8। रोज अपनी प्रोग्रेस को, जैसे बिजनेस में आप करते हैं, जैसे बिजनेस के सारे काम करते हैं, ऑफिस की फाइलें हमेशा रिव्यू करते हैं, अपनी पेंडिंग चीजें रिव्यू करते हैं, अपना फाइनेंस रिव्यू करते हैं, अपना बिजनेस रिव्यू करते हैं, उसी प्रकार इसको भी रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई में परमात्मा के इच्छुक हैं, परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, उसमें भी ये बहुत जरूरी है कि हर क्षण, हर पल, हर समय अपने विचारों को रिव्यू कीजिए, अपने कार्यकलापों को रिव्यू कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए कि कैसे करें ऐसा काम जिससे किसी दूसरे की आत्मा प्रसन्न होती हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपने किया है उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए, अपने इष्ट देव के, कि हे प्रभु आपकी दया कृपा से बना, आपको अर्पण है। इस सेवक में कहां शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बनता? आपने अवसर प्रदान किया और मैंने अपनी सेवाएं उसको दे दी। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए कि इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड है, सबसे बड़ा गुरु है। अगर आप
कि आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि हे परमात्मा इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपनी आत्मा से पूछिए, छोटी छोटी बातें जो हो जाती है उन्हें पकड़े आदतवश, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है उसमें झूठ बोल जाते हैं, इससे तो कोई फायदा नहीं, झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो आप में है जिन्हें सोचते हैं कि ना जा पाएंगी वो भी छूटती नजर आएंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती चली जाएंगी। शर्त यह है कि जिस बात का भगवान से वादा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा न करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी, न करना चाहे, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करे पूरा करे, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी, बहुत सुंदर होता है। इस ध्यान योग का प्रभाव, मेरे को एक इंस्टेंस याद आ गया, भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हमारे सत्संगी भाई थे, अब तो नहीं है और नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई भोपाल वाला हो तो बताए नाम। राम अनुज यादव बड़ा प्यारा महाराज जी का भक्त था, बहुत प्यारा, यही लगा रहता। और उसने फॉलो किया और साथ साथ अपने ऑफिस के अंदर काम भी किया और बड़े छोटे लेवल पर थे, ज्यादा लेवल ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े अफसर रहे हो। जो काम करता परमात्मा का नाम लेता और काम करता जाता। जब भोपाल के अंदर प्रोग्राम हुआ तो उसके डीन ने उसको बुलाया कि भैया तुम इतने सॉफ्ट हार्टेड क्यों हो। तो उसने रेफरेंस दिया, प्रोग्राम दिया कि जी हमारे महाराज जी आ रहे और इन्हीं की वजह से है ना सत्संग में जाता हूं मैं। बड़ा इंप्रेस हुआ डीन, डीन भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बल्कि पूरे कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज का जो स्टाफ था वो बहुत उससे इंप्रेस था। कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना रहा हो, सबकी हाँ में और पूरा करके निकलता था अपने डिपार्टमेंट से। जब भोपाल का कार्यक्रम हुआ तो उसके डीन ने स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मंदिर में उसका कार्यक्रम, हमारा कार्यक्रम रखा और उसने जिसको बुलाया प्रोफेसर्स में
सारे प्रोफेसर्स मौजूद थे वहां पर जो हमारा कार्यक्रम हुआ। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो जो उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, मैंने उनको बोला कुछ बोलेंगे, कहते हाँ जी बिल्कुल बोलेंगे। उन्होंने इस आदमी की इतनी तारीफ की कि इसके व्यवहार से हम आज आपके पास तक पहुंचे। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, कोई आदमी छोटा नहीं है परमात्मा की निगाह में, और कोई कोई इंसान बड़ा नहीं है, सब एक बराबर है। इसलिए हमारे महाराज जी ने एक प्लेटफॉर्म रखा सबके लिए, चाहे कोई आ जाए, कोई बड़ा नहीं, उसकी निगाह में एक ही है कि जैसे जैसे परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाएंगे आपकी छवि सुधरती चली जाएगी और आप बखूबी काम करेंगे। कोविड के अंदर 3 मिनट पहले मेरे पास फोन आया कि मेरे को दिक्कत हो रही है साहब सांस लेने में, और 3 मिनट के बाद शरीर छोड़ दिया। अब उसके जो बच्चे हैं वो डीन ने उनके लिए अरेंजमेंट किए सब जगह कि कहीं इनकी सर्विस लग जाए, मेरे का कॉलेज के अंदर भी रखा है किसी बच्चे को उन्होंने। इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया वो आदमी कि अब भी उसको लोग याद करते हैं। ऐसा व्यवहार अगर सत्संगी भाई का नहीं है तो सत्संग में आने और जाने का कोई फायदा नहीं है। व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा इंप्रेशन छोड़ना चाहिए कि पीछे आपको याद करें। अपने महाराज जी के ऑफिस में गया, मैंने उनका नाम लिया 40 साल बाद, एक एक आदमी उनको अब तक पहचानता है, यहां थे अब। ये होना, इंप्रेशन इस तरीके से होना चाहिए। और कभी होगा जब सारे चीजें जो बताई जाती है उसको फॉलो करें, फॉलो करेंगे अच्छा रहेगा, फॉलो नहीं करेंगे तो इस 4 दीवारी के बाहर निकलते ही आपका व्यवहार बदल जाएगा, और बदलता है, बदलते देखा है। तो ये जब तक परिवर्तन नजर नहीं आएगा तब तक आपका सुंदर इंप्रेशन जगत में बन नहीं सकता। उसको बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि परमात्मा के चरणों में जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा। ये वो तरीका है आत्मा को स्ट्रांग करने का, विल पावर स्ट्रांग करने का। और जिंदगी के अंदर अगर कुछ है तो सिर्फ विल पावर ही है जिससे हम लोग चलते हैं, और कुछ नहीं। तो जैसे जैसे आपकी परेशानियां कम होती चली जाएंगी, मन के विचार, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पूरी जिंदगी में 2000-2500 विचारों को लेकर घूमता हो। जो जरूरी विचार है वो अपने पास होने चाहिए, जो जरूरी विचार नहीं है वो अपनी जिंदगी से निकालिए। यहां निकालेंगे अपने आप कंसंट्रेशन आपका बढ़ता चला जाएगा दूसरी साइड पर, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जिस बात का भगवान से वादा करे उसे पूरा करे। ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि भैया जी बीड़ी पीते आप रख लीजिए, उनके लावा ही दे जा, 3 दिन बाद लौट के आएगा कि भैया जी काम चल नहीं रहा वापस कर दीजिए, मैं ले जा वापस। बहुत चलो इसलिए छोटी छोटी बातों को पकड़कर आप छोड़ते चले जाएंगे तो बड़ी बड़ी चीजें जो हमारे अंदर हैं, खराबियां हैं, परमात्मा के रास्ते में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत आनंद है। हर चीज में आनंद है, विषय में आनंद है, वासना में आनंद है, परमात्मा की भक्ति में जो आनंद है, ना विषय में आनंद है ना वासना में आनंद है। जितना कर्म ज्यादा करेंगे, जितनी वासना, जितना विषय में ज्यादा लिप्त होंगे उतना आनंद कम होता चला जाएगा।
और जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना आनंद ज्यादा आता चला जाएगा आएगा। और कोई शरीर पर एंटी इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज का। विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो आप चाहेंगे वो दूसरा आदमी करेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के अंदर देखा है, प्रैक्टिकल नहीं, मैं भी सर्विस में था, टोटल प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। कोई स्ट्रेन नहीं, 24 घंटे काम करा लो। ये ना करना अच्छा है वायदा, लेकिन वायदा करके कि बीड़ी दे गए फिर ले गए फिर रख दिए फिर ले गए, वायदा करें पूरा करें, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाइए। इच्छा शक्ति बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैंने आपके सामने रखा, बाकी और दुनिया में कोई तरीका ऐसा है ही नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए चारपाई में बैठकर बड़े प्यार से। और जब याद अपने इष्ट की अच्छी आने लगे तो उनको याद करते करते सो जाए, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। और जब ये अभ्यास बढ़ेगा तो ऊटपटांग सपने जो आते हैं डरावने वाले बंद हो जाएंगे। इसके बाद ये अभ्यास करेंगे तो बहुत विशेष लाभ आपको महसूस होगा, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे, उसके बाद आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे, देखेंगे आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें आती हैं, मन बड़ा प्रसन्न होता है देख के। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं, सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से उत्पोत महसूस होगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है तो उसके वास्तव में शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बिजली तो वैसे ही दौड़ती है, हमारा शरीर चलता ही बिजली से है, तो बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है जब उठता है तो वही ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा, जो अच्छे साधक है जिनके आज्ञा छक पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा छक पर स्पंदन था तो जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान मिला बना रहा, अब 6 घंटे सोने के भाई प्रैक्टिस, पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है, ये मनुष्य का गुण है। ये पहली चीज, जिस चीज का अभ्यास करते वो चीज पक्की होती चली जाती है। चाहे अपनी अच्छी चीज का अभ्यास किया हो, किसी भी चीज का अभ्यास किया हो, आपके लिए अच्छा या बुरा है, अगर आपने अभ्यास कर लिया तो उसको छोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है। तो क्या है, जिस ध्यान में सोया था अब क्या है, अच्छे ध्यान की अवस्था में जो अच्छे साधक है जिनके आज्ञा चक पर स्पंदन होता है, अगर सोते समय आज्ञा चक पर स्पंदन था, जब उठेंगे तो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान बना रहा, 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। मन का विशेष गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। बात क्या है
कि मन का एक विशेष गुण मैंने आपके सामने रखा, हम लोग रस्ती है। कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती। अगर आ गई तो चिंता, उसी चिंता, मुसीबत की चिंता होती है। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है तो रात भर चप चप करता रहता है। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे तो आपका ध्यान बना होगा और 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाएंगे। विहार की शुद्धि यही है जिस पर भगवान श्री कृष्ण बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है जहां साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो अपने जीवन में, 24 में से 8 घंटे अपने बना सकता है, अपने बना सकता है और दुनिया के सारा समय आपके पास मौजूद है। उसमें एक भी सेकंड नहीं लिया गया, सारा समय संसार के व्यवहार का। ये जो समय था तो वेस्ट जा रहा था सारा, जो हमने यूटिलाइज किया व्यवसाय का, आपके पास मौजूद है। ये साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। किसी भाई को कुछ पूछना हो तो पूछा जा सकता है। कोई डाउट आ गया तो पूछा जा सकता है। जो मजा जमीन पर बैठने का है पलौथी लगाकर, वो कुर्सी पर बैठने का नहीं है। जो आनंद फ्री होकर बैठते हैं, चाहे पैर सीधे करके बैठे हैं, बड़े आराम से फ्री होके, फ्री माइंड फ्री बॉडी, तभी रिलैक्स हो पाएगा। कुर्सी में तो बंद के रह जाते हैं बैठ के, मेरे को भी दिक्कत आती है ऐसे बैठने से। जिनकी बहुत मजबूरी है वो तो मजबूर है, मगर जिनकी मजबूरी नहीं है नीचे बैठ सकते हैं उनको कुर्सी पर ही बैठना चाहिए। जितना आनंद फ्री रह के काम करने में है उतना बंधन के साथ करने में नहीं है। फ्री होकर रहिए, टोटल फ्री, नो बंधन। खाने फ्री से भोजन करिए परमात्मा की याद में। ये नहीं कि एक के पीछे दूसरा खड़ा है, ना नहीं चाहिए, डोंट वांट। परमात्मा की याद में काम करेंगे यहां तो घर जाके भी चलेगा, अगर यहां नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा घर जाके। अगेन बहुत जरूरी, किसी भाई को कुछ पूछना हो तो पूछा जा सकता है। हमारा अगला कार्यक्रम 4 बजे से 5 बजे तक कुरान शरीफ का पाठ। डॉक्टर फातिमी जी आए हुए हैं बॉम्बे से,
वो उसको कंडक्ट कराएंगे।